अन्य किसी भी जन समस्या के लिए हमेशा तैयार रही हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर पंजाब में आई है उन सभी मुद्दों पर पूरा कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। हर क्षेत्र के विधायक युद्ध स्तर पर जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया, हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है जिससे स्थानीय जनता, आम आदमी पार्टी और विधायकों के चेहरे पर खुशी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और सभी को इसका फायदा पहुंचना चाहिए। लुधियाना से लक्ष्मी बड़ोनी की खास रिपोर्ट। न्यूज़ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अज हलका दखनी दे विच 120 परिवारों को पेंशनां वंडियां गईयां जिहड़ियां 150 परिवारों को सोमवार पेंशनां वंडियां जाणगियां क्योंकि इहदे विच बुढ़ापा पेंशन, आश्रम पेंशन और विधवा पेंशनां दित्तियां गईयां। दूसरा, इन्हां लोकां दा जिहड़ा सरकार ने वादा कीता सीगा 300 यूनिट बिजली दा, इन्हां सारिआं दा बिजली दा बिल दिवाया और ये सारे तुसीं खुद गल कर सकते हो, सारे पंजाब सरकार दे कम्मां तों कुछ नहीं। दूसरा, तीसरा जिहड़ा साडे एरिया दे विच मुहल्ला क्लीनिक चलदे आ, इन्हां नूं उहदे बारे अवेयर कराया गया कि किसे किसी भी इंटरनों दवाई की जरूरत हो सारे टेस्ट के सारे दवाइया फ्री दिखाई जा रही सा मुहला क्लीनिक पहले नंबर से पंजाब के चल रहा है। जानकारी ये हुई है कि आपने जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है आपने अपने क्षेत्र में बड़े विकास कार्य करे हैं, तो कितने क्या क्या विकास कार्य हैं थोड़े उनके बारे में जनता को बताएं आप। सब तो पहला तो जड़िया सड़कों का बहुत बुरा हाल सीगा, सड़कां बनाई गई फिर इन्होंने वादा किया हल्के दे नाल मोहल्ला क्लीनिक खोलिया गया, फिर यूनिट 300 यूनिट बिजली का बिल सीगा वो पूरा किया गया। इस तो पिछे देखा होगा पिछले समय के पानी की समस्या आई और लाइट की आई, लाइट का 75 लाख रुपए का लोहारा फीडर, 25 लाख रुपए का ईशा नगर फीडर वह काम कराया गया और शफाली स्कूल के अगे 60 KV का जोड़ा ग्रेडा बड़ी जल्दी लगन वाला ताकि आने वाले समय के समस्या ना आए। इस तो अगे जोड़े 4 वार्डा के जोड़े ट्यूबवैल लग रहे हैं बड़ी जल्दी लग रहे हैं, उन्होंने टेंडर पास लगे हुए हैं क्योंकि आने वाले समय के इस हल्के लोगों पानी की समस्या ना आए। तुम्हें देखा होगा पिछले जून के जगह जगह के उपर सुपर सैक्शन मशीन ला के सारे सीवरेज साफ कराए गए ते आज ओदी वजह दे नाल आज अपने हलके दे विच एक भी डेंगू का केस नहीं आया। इसमें राशन कार्ड की समस्या मुख्य बताई जा रही है, लोगों को राशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। नहीं, राशन दी जड़ी पंजाब सरकार दी स्कीम है कि जड़ा ऑनलाइन राशन कर पहुंचेगा और वो बड़ी जल्दी असी शुरू कर देंगे। आपने गुजरात सरकार गुजरात में भी जो है आपने कैंपेनिंग करी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या उम्मीद है वहाँ पर सर जनता को आम आदमी पार्टी से? गुजरात के असं इलेक्शन लड़े हैं बिना संगठन तो लड़े हैं लेकिन फिर भी उत्थे 40 लाख लोगों ने सानू वोट किया, हौली हौली स्टैप बाय स्टैप असं अगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सब तो छोटी पार्टी जी बड़ी जल्द बड़ी पार्टी बन जा रही है, नैशनल पार्टी का नाम दर्जा मिलया तो एक पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी बधाई दे पात्र। 2024 में लोकसभा चुनाव है उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी उसमें कितनी भागीदारी रहेगी उसकी? देखो ये जनता कमां नू देख के जिहड़ा फतवा देगी क्योंकि जे असी काम किए होंगे तो इस हल जो जनता सानू साडे हक दे विच फतवा दे देगी क्योंकि तुसीं देखिया होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो सैकंड टाइम भी इलैक्शन लड़ी सी उन्होंने यही कहा सीगा कि जे असी काम किए तो सानू